दोस्तों, आजकल हमारे समाज में बहुत से मिथ फैले हुए हैं। आजकल एक बहुत ही चर्चित मिथ चल रहा है जिसे वर्जिनिटी कहा जाता है या वर्जिन होना कहा जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लड़की को शादी तक कोई भी एक सेक्स एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, शादी तक लड़की को वर्जिन रहना ज़रूरी होता है। लेकिन इसी क्रम में लड़कों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उसी लक्ष्मी को हम इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये वर्जिन क्या होता है, इसका टेस्ट कैसे होता है और इसका टेस्ट क्यों करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह राजपुरोहित स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसमें आपको कुछ बहुत सी रोचक जानकारियाँ मिलेगी आपको। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वर्जिनिटी होता क्या है। दोस्तों, लड़कियों में एक झिल्ली होती है जिसे हाइमन झिल्ली कहा जाता है। ये उनके योनि के अंदर पाई जाती हैं और पुरुषों में ऐसा कुछ भी हाइमन झिल्ली नहीं होता है, तो पुरुषों के बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन लड़कियों में ये योनि के अंदर एक हाइमन झिल्ली पाई जाती है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये झिल्ली सिर्फ आप जो है संभोग करने या संबंध बनाने से ही टूटती हैं और इसके टूटने से थोड़ा हल्का ब्लड भी आता है। इसलिए ज़्यादातर लोग शादी के बाद पहली रात, जिसे सुहाग रात कहा जाता है, उस समय संबंध बनाते हैं और देखते हैं कि झिल्ली टूटी है और उसके बाद ब्लड आया कि नहीं आया है। इसके लिए वो पलंग पे सफ़ेद कपड़ा भी लगाते हैं जिससे आपको जो है दाग अच्छी तरह से दिखे। अब आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसा काम करना एक घटिया मानसिकता की निशानी है, क्योंकि आप उसी जीवन साथी के साथ ये शक कर रहे हैं जिस जीवन साथी के साथ आप अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। दूसरी बात, अब साइंटिफिकली बात करता हूँ दोस्तों, हाइमन झिल्ली जो बेहद पतली झिल्ली होती हैं, वो अगर आप घुड़सवार हैं, साइकिलिंग करती हैं, एथलीट हैं और यहाँ तक कि आप योग भी करती हैं, तो इससे भी जो है आपकी हाइमन झिल्ली जो है टूट सकती हैं। और ये सब हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक साइंटिफिकली प्रूव चीज़ है, डॉक्टर खुद बोल रहे हैं इस बात को। जहाँ तक बात रही ब्लड आने की, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम संबंध बनाने के बाद आपको ब्लीडिंग हो, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल, आप पहले से फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं, घुड़सवारी कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं, आप प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं, आप जो है खेलकूद प्रतियोगिताओं की ज़्यादा जो एक्टिव मेंबर रही हैं, तो इससे जो है आपकी झिल्ली पहले ही टूट गई हैं। और इसके अलावा अगर आप योग और व्यायाम भी कर रहे हैं तो इससे भी झिल्ली आपकी पहले टूट गई होगी। तो आप ऐसी छोटी मानसिकता का शिकार ना हो। वर्जिनिटी का दोस्तों सबसे पहले तो बता दो, कोई टेस्ट है नहीं। आज तक कोई भी डॉक्टर ये चेक नहीं करके बता सकता कि ये लड़की वर्जिन है या नहीं है। लड़की वर्जिन है या नहीं है, इसका बस केवल सिर्फ लड़की ही है जो आपको जवाब दे सकती है कि वो वर्जिन है कि नहीं है। बाकी आप किसी टेस्ट के चक्कर में ना पड़े, ऐसा कोई टेस्ट आज तक है ही नहीं। और अब बात करें थोड़े लड़कों की, तो ऐसा क्यों है हमारे समाज में कि सिर्फ लड़कियों को ही वर्जिनिटी के बारे में बोला जाता है, जबकि लड़का लड़की दोनों, पुरुष स्त्री दोनों बराबर होने चाहिए, लड़कों को भी वर्जिनिटी के बारे में जो बोलना चाहिए। लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी लड़की ने लड़के का वर्जिनिटी टेस्ट करवाया हो, जबकि ये सुनने में बहुत मिलता है कि लड़के जो हैं अब शादी से पहले लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए लेके जाते हैं, उनका वर्जिनिटी टेस्ट के लिए डॉक्टर को बोलते हैं। तो दोस्तों, हमको ऐसी ओछी मानसिकता, छोटी मानसिकता का शिकार नहीं होना है। हमें अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना है, अपने सोच अपने विचारों को जो मैच्योर करना है। दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्जिनिटी का जो भूत अपने दिमाग से निकाल दें, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। असलियत आपको जाननी है तो इसका सिर्फ जो है आप लड़की ही जो है वो आपको बता सकती हैं। और हाइमन झिल्ली का मैंने जैसा आपको बताया, वो जो है फिजिकल एक्टिविटी और उससे भी जो है टूट सकती हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचे कि फर्स्ट नाइट के समय संबंध बना से अगर आपके ब्लड नहीं आ रहा है तो वो जो है लड़की वर्जिन नहीं है, ये एक बहुत ही घटिया मानसिकता है। तो इस मानसिकता से आप अपने दिमाग को उभारें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वर्जिनिटी के बारे में और आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइए, मैं आपके जो है कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले नई वीडियो में।